हम इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय को समरूपता से सिद्ध किया। हम यह भी पढ़ चुके हैं कि इसका विलोम भी सत्य होता है। हम इसे एक प्रमेय के रूप में ऐसे लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। चलिए अब इसे सिद्ध करके देखते हैं। मान लीजिए हमें एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसमें एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर है और हमें सिद्ध करना है कि कोण बी 90 डिग्री है। इसे सिद्ध करने के लिए चलिए हम त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करते हैं जिसमें कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है, पी क्यू बराबर ए बी है और क्यू आर बराबर बी सी है। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, जिसे हम पहला समीकरण मानेंगे, और पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर बी सी है, इसलिए इसे लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। लेकिन हमें पता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, जिसे हम दूसरे समीकरण से तुलना करने पर हमें मिल जाएगा ए सी बराबर पी आर। अतः हमें मिल गया कि ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर के और ए सी बराबर पी आर के, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा पी क्यू आर के और इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अब कोण क्यू का मान 90 डिग्री है, इसलिए कोण बी का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसे भी। इस तरह हमने प्रमेय 6.8 के विलोम को भी सिद्ध कर दिया। चलिए अब एक सवाल करते हैं। एनसीईआरटी के पेज 162 का उदाहरण 11 देखें। इस प्रश्न में हमें सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी पर ऊपरी सिरे की भूमि से ऊंचाई दी गई है और इसकी लंबाई पता करनी है। मान लीजिए कि ए बी सीढ़ी है तथा सी ए दीवार है जिसमें ए पर खिड़की है, तो हम देख सकते हैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हम ए बी की लंबाई निकाल लेंगे, जो हमें मिल जाएगी ए बी बराबर 6.5। तो इस सीढ़ी की लंबाई 6.5 मीटर है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब क्लास में इन सवालों को हल करने का प्रयास करें, तभी आप ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।